शरीक हुआ हूँ। इसका मैं मैनेजमेंट का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये खूबसूरत प्रोग्राम देखने का मौका दिया। मैं कहता हूँ ऐसा काम जो है हमारा, मुझे यही लग रहा है हमारा, अगर जी हमारे दिल की अगर बात कहें तो मैं कहता हूँ कमर्शियल को जो कंट्रीब्यूशन अमान कर रही है वो इनकी तनख्वाह नहीं है, वो एक मामूली सा वजीफा है। और मैं मेहनत कर रही है कि हमें आज ये जो कॉन्फिडेंस इन बच्चों में देखने को मिला ये यकीनन इनकी मेहनत का ये है समर, ये इन बच्चियों का इस मैनेजमेंट का समर है जिन्होंने इन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अपना नाम बैरून मुल्क में भी रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये हमारे लिए एक बात फख्र है। मैं अगर आज सरदार तारिक साहब का जिक्र न करूं तो नहायत जाहिर की होगी, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन से ये मशाल आज सही मशाल है। इनकी कंट्रीब्यूशन से, इनकी मिसेज की कंट्रीब्यूशन से, डॉक्टर नरजस साहब की कंट्रीब्यूशन है, इसमें मरहूम हमारे भाई अब्दुल हफीज साहब की कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों ने दिन रात बेलोस खिदमत की है। मेरे भाई अब्दुल वाहिद साहब या बच्चों के अलावा भी जो इनके स्टाफ है उनके लिए भी हमेशा जो है दोबारा मान से रिक्वेस्ट करते हैं, दिन रात इनको इन बच्चों की इनसे जो काम करते हैं यहाँ साथ उनकी और इनकी जितने भी यहाँ पे मुलाजिमीन उनकी इनको फिक्र रहती है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं पूरी मैनेजमेंट को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इस मशन को ऐसी मशन बनाई यहाँ पे मिसाल कायम है, इन असातिज़ा को भी, इन वालदैन को भी, क्योंकि ये वालदैन की निशाई है। ज़ुबैदा अमान जरूर कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन इन वालदैन की भी कंट्रीब्यूशन है, उसको भी जो है हमें कंट्रीब्यूट किया है, इस इलाके के लिए किया है, इन बच्चों के लिए किया है, और इन बच्चों की दुआएं इंशाल्लाह इनके साथ होंगी। मेरे शाह साहब ने कुछ अर्ज़ात पेश की थी, इंशाल्लाह जरूर हम जो है, मसला ये है कि ज़ुबैदा फाउंडेशन यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, शाह साहब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ुबैदा अमान डिग्री कॉलेज जो है, अगर ज़ुबैदा अमान हर महीने उसको 3,40,000 न दे उसके जो है बीएस प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। हम जो है हर महीने 3,40,000 से 60,000 25,000 हर महीने बॉयज कॉलेज को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वरना उनका भी बीएस प्रोग्राम खत्म हो जाता है। प्रोग्राम खत्म हो रहा था इस उस वक्त से ज़ुबैदा अमान उसको अपनी तरफ से उसको प्रोग्राम को जारी रख रही है। तो हमारे मसाइल होने के बावजूद ही, और दूसरी बात सबसे जो अहम बात है कि ज़ुबैदा अमान कुछ चीज से कोई डोनेशन नहीं लेती, वो सिर्फ अपनी ज़कात से चल रही है अल्लाह के फजल से, और उसकी कंट्रीब्यूशन सालाना 60 से 70 करोड़ रुपए है हमारी कंट्रीब्यूशन इस इलाके की तरक्की तरक्की के लिए इंशाल्लाह। तो हम इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और मैं इसके अलावा मैं मीटिंग करूंगा, मैं इसकी नजरसानी होगी और हम इसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे। आज मैं जो खूबसूरत प्रोग्राम देखा है इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए स्पेशली जो है असातिज़ा जिन्होंने ये किया है इनके लिए मैं 1,00,000 इनको आज इनाम दे के जा रहा हूँ फाउंडेशन की तरफ से। मैं फिर नहायत मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये आज खूबसूरत प्रोग्राम देखने का मौका दिया। एक जरा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अब्दुल वाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आई सैल्यूट यू, थैंक यू वेरी मच।